बात कर रहे हैं कि आज दिन भर देश बंद का जो ऐलान किया गया था एसटी संगठनों की तरफ से, और उसके बाद जो हंगामा हुआ, देश को बड़ा नुकसान हुआ। कई सार्वजनिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है, विरोध प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में अपनी बात रखना, इस सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से क्या ये तरीका ठीक था या सरकारों की यहाँ नाकामी है ये? नहीं आसिफ, देखिए ये जो पूरा वाकया हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया या जो भी किया, सबसे पहले जितने लोगों ने प्रदर्शन किया उन लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस कार्रवाई या निर्णय को बहुत गलत तरीके से लिया, पॉलिटिकल पार्टी ने भी। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखिए ये कानून व्यवस्था वगैरह, संविधान वगैरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसका आधार, सूत्राधार सारे कानून का, सारी संविधान व्यवस्था का ये है कि चाहे हजार गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, हमारे कानून में ये प्रोविज़न है। अच्छा, अब ये जो एससी एसटी एक्ट में जो संशोधन किया गया, ये कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये केवल एक भूल सुधार हुआ है, और वो ऐसे हुआ है कि भाई अगर कहीं कोई अत्याचार होता है, किसी ने कुछ किया, हो सकता है वो फर्जी रिपोर्ट हो, उसी बेसिस पे इमीडिएट अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला ये एक्ट होता है। मेरे ख्याल से आज बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा जहाँ पर भी होगी, उनको बहुत सुकून और शांति मिल रहा होगा, उनको पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि असली संविधान का पालन, हमारे कानून का पालन आज हुआ है, ये केवल एक त्रुटि जो पहले थी उस त्रुटि को ठीक किया गया है, और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। लॉजिक और भी है आसिफ, आप देखिए जुर्म का नेचर जो है वो एक है, मान लीजिए आपके साथ वही जुर्म होता है और मेरे साथ जुर्म होता है, तो मेरे साथ डबल जो है मुझे सजा मिलेगी, ट्रिपल तरीके से, दो तीन लेयर में मुझे सजा मिलेगी, लेकिन आपके साथ जब वही जुर्म होता है तो आपको दो तीन तरीके से सजा क्यों नहीं मिलती है? मर्डर होने पे फांसी सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। तो यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि जब जुर्म एक ही है तो उसकी सजा अलग अलग क्यों हो। तीसरी चीज़ ये है, ये सारा जो इशू है, देखिए ये इशू एक सोशल इशू ज़्यादा है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, कानूनों की कमी नहीं है, इतने कानून की किताबें भरी पड़ी हैं, सबको पता है मर्डर करने पे फांसी होती है, लेकिन मर्डर हो रहे हैं। सवाल इस चीज़ का है कि इस प्रॉब्लम को अगर जड़ से हटाना है, उठाना है, तो सोसाइटी के लेवल पे जाकर के हमें काम करना पड़ेगा। जरा इन नेताओं से, जो लोग सड़क पे हैं, इनसे पूछिए कि कोई अगर दलित है, कोई परेशान है, तो कितनी बार आप जा करके आपने उसका सहयोग किया। एक पॉइंट और बोलूँगा, एक पॉइंट और आसिफ, आप सुन लीजिए, जितने लोग आज सड़क पर हैं, ये दलित नहीं, ये बलित हैं, जिनको वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत है, आज आप जाके देखिए तो 45 डिग्री की टेम्परेचर में वो कहीं रिक्शा चला रहा होगा, कहीं सड़क खेत में काम कर रहा होगा अपने शाम की रोटी के जुगाड़ के लिए। असली दलित वो हैं, उनको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है। सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती। अगर सरकारें ध्यान देती तो शायद इतना ऊँच नीच का फर्क नहीं होता, उनकी भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होती, लेकिन ऐसा सरकारों ने नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर होती है, हर किसी तबके को वोट बैंक की नज़र से देखा जाता है। ये आंदोलन इसलिए हिंसक भी हो जाता है, राजनीतिक दलों की क्षय होती है और वो भी इस आग में कूद पड़ते हैं। ये बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दलों की ही क्षय होती है, और हमारा ये मानना है कि सरकार को ये सुप्रीम SC ST एक्ट को का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए अलग से आयोग लाए। इस पहले जो इस पर जिस पे भी SC ST एक्ट लगाया जाता है, उसकी पहले जांच हो कि सही है कि नहीं है, फिर आगे वो निर्णय करे। बिल्कुल जांच होना चाहिए, लेकिन सच्चाई एके मिश्रा जी ये भी है कि आप देखिए लगातार मामले सामने आ रहे हैं, BJP के ऊपर भी आरोप लग रहा है, और जो भी पार्टी होती है उनके सरकार होती है उनके ऊपर भी आरोप होता है कि इस तबके को दबाया जाता है, इस तबके को जो है हीन भावना से देखा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। आसिफ देखिए, आपका सवाल जो है सोसाइटी के एक सिस्टम की तरह इंगित करता है, और मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ कि किसी विशेष एक तबके को दबाया जाता है। देखिए शोषण हुआ है हमारे समाज, नहीं नहीं हुआ है और हो भी रहा है, ये आपके जरूरी है, सैकड़ों साल से इस्तेमाल ना हो। देखिए होता क्या है, देखिए अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, आप जरा इसकी प्रक्रिया को समझिए, ये एक सोशल डायनामिक्स है।
शोषण किसका होता है, जो कमजोर होता है शोषण उसका होता है और जो मजबूत होता है वो शोषण करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल इशू है। और सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म, मैं बोलता हूँ शोषण किसी का भी किसी तरीके से, इवन घर में शोषण होता है, एक सास एक बहू की शोषण करती है, भाई भाई शोषण करते हैं, दलित दलित का करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का शोषण करता है। तो शोषण करना एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक फीलिंग है। इसके लिए जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म होना चाहिए, ओवरऑल वो मैकेनिज्म है ही नहीं। कहीं पे भी लड़ाई मारपीट हो रही है, कुछ हो रही है, कानून जो इफेक्टिव तरीके से लागू होना चाहिए वो है ही नहीं। मैं बोलता हूँ 70 साल से सारे कानून हैं, लेकिन ये चीज़ें बदस्तूर जारी क्यों हैं? क्योंकि समाज में एक उदाहरण देने के लिए हमारा पूरा जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, पुलिस है, ये कुछ उतना हार्डकोर एक्शन लेते नहीं है। मैं बोलता हूँ आप कानून बहुत ज़्यादा बहुत टफ बना देने से कुछ नहीं होता है। आसिफ, मर्डर होने पे फांसी की सज़ा है, लेकिन मर्डर हो रहे हैं। सवाल ये है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए। आंदोलन कर देने से, कानून बना लेने से, पुलिस उसका इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो गवर्नमेंट ध्यान देती ही नहीं है। क्यों नहीं आप अपने सिस्टम को इतना इफेक्टिव बनाते हैं कि एक फ़ोन जाने पर तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँचे और निष्पक्ष होकर निप इन द बड, मतलब शुरू में ही वो मामले को ख़त्म करे। लेकिन देखिए, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की एक नज़ीर की वजह से ही नहीं होता है। देखो, थानों में ज़बरदस्ती किसी के ऊपर लगा दिया जाता है और थाने में वहीं से हटा दिया जाता है, वहाँ भी भ्रष्टाचार की एक नज़ीर है जिसकी वजह से कानून का पालन नहीं होता है। नहीं देखिए, अब भ्रष्टाचार की नज़ीर है, हम हमेशा से भ्रष्टाचार पे 70 सालों से बातें कर रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसकी जड़ देखो, जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट